ट्रीटमेंट कैपेसिटी क्रिएट की गई है। जहां तक इसमें कई बार ये बात होती है बीओडी और डीओ, इसके जो इसका भी एक है इसको जो मेजर किया जाता है, ये जरूर मैं बताना चाहूंगा, ये हमारे विभाग के द्वारा नहीं किया जाता, ये इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन के द्वारा किया जाता है। और आंकड़ों में कई जगह सुधार हुआ है, लेकिन जो दिखाई पड़ता है वो स्वच्छ जल नहीं दिखाई पड़ता है। उसका कारण ये है कि जो पहले हम लोगों ने बताया, कई प्रकार के जो ज्यादा प्रभावशाली ढंग से रोकना, इसकी बात हम कर चुके हैं। गैप वन न गैप टू, गंगा यमुना फेज वन में 25 शहर लिए गए थे, जो 900 करोड़ की बात हुई उसमें से 452 करोड़ उसमें खर्च हुए थे। गंगा एक्शन प्लान फेज टू 1993 में स्टार्ट हुआ, जिसमें गंगा नदी के अलावा जो चार मुख्य इसकी ट्रिब्यूटरीज थी उनको भी लिया गया। नेक्स्ट, ये नेक्स्ट, ये कुछ जो कार्य, कुछ जो योजनाएं जो क्रियान्वित की गई हैं उनके लिए फोटोग्राफ दिए गए हैं। ये जो जी, ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ये कलकत्ता में किया गया, ऊपर बढ़ते नहीं होना, ये वाला ये कलकत्ता का काम है और ये बहुत गंदा हुआ करता था, बिल्कुल बाबू घाट मिलेंगे। जो कुछ जगह पे अच्छे कार्य हुए भी उसका भी उतना प्रचार प्रसार होना चाहिए था, नहीं हुआ। ये जो हमारा मुख्य जो अनुभव रहा मिश्रित गंगा एक्शन प्लान का, उसकी चर्चा उसमें की गई कि एक सही दिशा में कदम था लेकिन जितना होना चाहिए था कार्य नहीं हुआ, उसका पूरा लाभ भी नहीं उठा। अब ये तो मोटे तौर पर आंकड़े हमने दिए थे कि कैसे एक तिहाई ही जो म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर उसकी उसके अगेंस्ट में कैपेसिटी क्रिएट की गई, लेकिन अलग अलग अगर शहरों का देखा जाए तो हर जगह पर मोटे तौर पर वही स्थिति। ये कानपुर के आंकड़े हैं, नेक्स्ट वाराणसी, पटना। तो हमारे सामने जो मुख्य जो चुनौतियां, ये कैपेसिटी ट्रीटमेंट कैपेसिटी का डेफिसिट है, जिसमें भी जो कन्नौज से वाराणसी के बीच की का जो अंश है जहां पर की स्थिति ज्यादा भयावह, चूंकि हरिद्वार के बाद से नदी से पानी का लिया जाना इरिगेशन के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के